वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। मेरा नाम तलवीर सिंह है और सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज मैं बात करने वाला हूँ डाटा क्लासिफिकेशन की। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था डाटा कलेक्शन के रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको देखोगे तो ये आपको समझ आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिसर्च हो या स्टैट, इनको आप एक सीरीज में ही पढ़ सकते हो, क्योंकि चीजें हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। तो चीजों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग से समझना है तो आपको चीजों को स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। तो ये वीडियो आपको डाटा क्लासिफिकेशन के रिलेटेड सारे जो डाउट्स हैं या बेस्ट एमसीक्यू हैं उसके बारे में आपको नॉलेज देगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू अ सिंगल करेक्टरिस्टिक इट इज कॉल्ड। तो मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब आप डाटा को कैटेगराइज कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी क्लास में से डाटा कलेक्ट किया, वहां पर मेल भी फी हैं और फीमेल भी। जैसे आपने यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया क्लास से, अब इसको क्लासिफाई कैसे करोगे? इस डाटे को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, एक मेल और दूसरा फीमेल। तो इसको इस तरह से स्टडी करना इजी हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। तो जब एक सिंगल करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं तो उसको बोला जाता है सिंपल क्लासिफिकेशन। क्या बोला जाता है? सिंपल क्लासिफिकेशन। मतलब जब एक सिंगल करेक्टरिस्टिक्स को आप स्टडी करते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा बाय एट्रीब्यूट्स। अब डाटे को हम एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करेंगे। एट्रीब्यूट्स मतलब जैसे ऑनेस्टी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, आईक्यू हो गया। जब इस चीज के अकॉर्डिंग, मतलब ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन है। तो जब आप किसी को डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं तो डिस्क्रिप्शन बेसिकली होता क्या है? उसकी कोई क्वालिटी होती है। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन को क्या बोला जाता है? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्योंकि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एक्चुअली किसी भी डाटे की क्वालिटीज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफिकेशन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ। अब बोलते हैं कि क्लासिफिकेशन किस केस में एप्लीकेबल है? नॉर्मल करेक्टरिस्टिक्स, क्वांटिटेटिव डाटा या क्वालिटेटिव डाटा, बोथ बी एंड सी। तो देखो, आपके पास क्वांटिटी हो तो भी आप ऐसे किसी को क्लासिफाई कर सकते हो, 0 से 10, 10 to 20, ये भी क्लासिफिकेशन है। और अगर आप एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर रहे हो तो वो हो गया हमारा क्वालिटेटिव करेक्टर्स। और जो हम मतलब ये जो क्लासिफिकेशन मैंने लिखी है ये होगी हमारी क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, ये क्लास क्वांटिटेटिव करेक्टर्स। तो मतलब आप इन दोनों को क्लासिफाई कर सकते हो। तो हमारा आंसर हो गया डी। व्हेन डेटा आर अरेंज्ड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड। मतलब जब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम से आप बात करते हो, तो जब भी इंटरवल की बात होती है या टाइम की बात होती है तो आपको पता है कि टाइम को हम कैसे डिनोट करते हैं? क्रोनोलॉजिकल। मतलब जब आप सीरीज, जैसे आज फिर कल की बात फिर परसों की बात, जब आप इसको ऐसे एक सीरीज में लिखते हो तो इसको क्या बोला जाता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल वेरिएट वैल्यू इज कॉल्ड। देखो ये क्या बोल रहे हैं? इंडिविजुअल वेरिएट। मतलब मैंने आपको बताया था कि एक वेरिएट की बात हो रही है, जैसे 1, 2, और ये क्या है? कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है? ये डिस्क्रीट है, मतलब टोटल इंटीजर वैल्यू है, पूरी होल नंबर है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें वेरिएबल को सिर्फ एक इंडिविजुअल वैल्यू के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है, उसको आप पॉइंट्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज। तो देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितनी बार जो वेरिएबल है कोई वो आ रहा है। तो आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में होगी, हमेशा डिस्क्रीट होगी। क्योंकि देखो, जैसे 2, 3, 4, 4, 4, मैं इसमें पूछूं कि 4 की फ्रीक्वेंसी कितने टाइम है? 4 की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब 3 एक होल नंबर है, सही है ना? तो ये क्या हो गया? इंटीजर फॉर्म में। हम ये तो नहीं बोल सकते कि 4 है जो वो 3.5 टाइम्स है, तो ऐसा नहीं बोल सकते। तो मतलब जो भी वेरिएबल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा होल नंबर में होती है या इंटीजर फॉर्म में होती है। नेक्स्ट, डाटा अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड। जैसे असेंडिंग ऑर्डर 2, 3, 4, 5, और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर 5, 4, 3,
टू। तो ये है हमारा असेंडिंग और ये डिसेंडिंग ऑर्डर। जब हम डाटे को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं तो उसे बोला जाता है एरे डाटा। याद रखिएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग को और क्या बोला जाता है? एरे। याद रखिएगा हमेशा, एरे, ये एरे वर्ड यूज है, वो होता है हमेशा डाटे को असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट, द ग्रुप्ड डाटा इज कॉल्ड। ग्रुप्ड डाटा क्या होता है? जैसे आपने एक बार डाटा कलेक्ट किया, दूसरी बार कलेक्ट किया, तीसरी बार किया, फिर उनको एक ग्रुप में कलेक्ट कर दिया, या मतलब उनका एक ग्रुप बना दिया। तो इसका मतलब ये जब पहली बार कलेक्ट हुआ था तब वो प्राइमरी डाटा था, बट जब आपने ग्रुप बनाया तो मतलब वो पहले ऑलरेडी कलेक्टेड था, आपने उसको ग्रुप में बना दिया, तो वो कौन सा डाटा बन जाएगा? सेकेंडरी ग्रुप डाटा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। सिंपल है, जो पहली बार कलेक्ट होता है वो प्राइमरी होता है, और जो दूसरी बार होता है वो सेकेंडरी होता है। तो यहाँ पर आपने डाटा पहली बार कलेक्ट किया, जब उसको दूसरी बार कलेक्ट किया या दूसरी बार यूज किया तो वो हो जाएगा हमारा सेकेंडरी डाटा, आपने ग्रुप बनाने के लिए उसको यूज किया। द सुटेबल फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ क्लासेस। तो ये देखिए, ये एक फॉर्मूला है, इसमें कुछ भी समझाने के लिए नहीं है, बस आप याद रखिएगा ये जो थर्ड है 1 + 3.322 एन लॉग इन, मतलब ये है जो इसका फॉर्मूला आता है। मैंने आपको बताया था कि स्टैट या रिसर्च में कई बार फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, और मुझे याद है कि ये इस बार नवंबर के एग्जाम में आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, वहां पर यही था 1 + 3.322 LONG। तो मतलब आप इस तरह के फॉर्मूलेस को भी याद रखिएगा, याद रखिएगा कि ये प्लस वाला फॉर्मूला है, और ये जो वेरिएबल है उनको भी आपने अपने माइंड में सेट करना है। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ एनी गिवन क्लास ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर। तो देखिए, जैसे 10 और 50, ये जो होती है मतलब एक लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ गिवन क्लास ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल्स। तो इसे क्या बोला जाता है? क्लास इंटरवल्स। तो अलग अलग होते हैं क्लास मार्क्स, क्लास बाउंड्रीज या क्लास लिमिट, ये फिर किसी लेक्चर में आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अ ग्रुपिंग ऑफ डाटा इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूजन एक्सक्लूसिव क्लासेस शोइंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास इज कॉल्ड। तो देखिए, मतलब ग्रुपिंग ऑफ डाटा इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब एक को सिलेक्ट करोगे तो दूसरा रिजेक्ट होगा। जब इस तरह की बात होती है तो वो हमेशा होल नंबर के लिए होती है, और वो होता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखिएगा कि जब आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस शो करते हो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास, उसे क्या बोला जाता है? हमेशा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कंसीडरिंग टू वेरिएबल्स एट अ टाइम इज कॉल्ड। तो अब देखिए, यहां पर कितने वेरिएबल्स की बात हो रही है? दो वेरिएबल्स की। तो अगर आपको पता हो कि यूनी का मतलब होता है वन, ठीक है, बाई का मतलब होता है टू, ट्राई का मतलब होता है थ्री, और बाई मॉडल जी मैंने आपको बता दिया है, यहां तो दो मोड्स की बात हो रही है, तो दो मोड्स तो नहीं हो सकते, यहां पर कितने की बात हो रही है? टू वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को क्या बोला जाता है? टू वेरिएट। ये जो है बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोला जाता है। याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल है, BY मतलब टू, इसका मतलब होता है टू बाई वेरिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, आपने कोई डाटा कलेक्ट किया और उसको कुछ रोज में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या फिर कुछ कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो याद रखिएगा, जो इस तरह से होते हैं, मतलब वर्टिकल शेप में होते हैं, वो आपके होते हैं कॉलम्स, और जो इस टाइप से होते हैं हॉरिजेंटल से लेटे हुए, वो होती हैं आपकी रोज। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पर देखिए, 1 2 3 4, फोर कॉलम्स हैं और थ्री रोज, 1 2 3 × 3 रोज। तो जब आप कॉलम्स और रोज में किसी को डाटे को क्लासिफाई करते हो तो उसे बोला जाता है टेबुलेशन, मतलब आपने उनका टेबल बना दिया है, इट इज कॉल्ड टेबुलेशन। अ सोर्स नोट इन द स्टेटिस्टिकल टेबल इज गिवन बाय, मतलब जब आपने कोई टेबल बनाया है और आप बाद में उसमें सोर्स बता रहे हो या रेफरेंस दे रहे हो, तो आपने देखा होगा कि सोर्स होता है वो कहाँ होता है? एट द एंड ऑफ टेबल, टेबल के एंड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाई डायग्राम्स रिप्रेजेंट द कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर बाय। तो पहले आप पाई डायग्राम समझिए, ये पाई डायग्राम होता है जैसे इस तरह से, ये पाई डायग्राम्स होता है, ठीक है, मतलब
360 डिग्री का होता है और इसमें अलग अलग सेक्टर्स बनाए जाते हैं। तो ये बेसिकली सेक्टर्स को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। आप डाटा इंटरप्रिटेशन में सब इसको पढ़ोगे, या फिर आप अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो या आपने पहले पढ़ी है तो आप इसके बारे में आपको पता होगा। तो ये शेप होती है, सर्कल टाइप होता है, और उसको अंदर क्लासीफाई किया होता है अलग अलग सेक्टर्स में, उसे क्या बोला जाता है, सेक्टर्स। अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द ऑब्जर्वेशन आर कंसेंट्रेटेड ऑन वन एंड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, इस तरह से, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये है जिसमें दोनों साइड्स हैं वो बराबर होती हैं। अगर किसी एक साइड में ज़्यादा होगा इस तरह से, या फिर दूसरा मैं यहाँ पर बना देता हूँ, दूसरा इस तरह से, तो अब देखिए ये इस तरफ को मूव किया हुआ है और ये इस तरफ को मूव किया हुआ है। इसका मतलब जो सिमिट्री है या नॉर्मल है वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सिमिट्री तो खत्म हो गई है, यूनिफॉर्म भी नहीं हो सकता। ये यूनिफॉर्म सिमिट्री या नॉर्मल तीनों एक होती हैं, ये होगी सिक्योर्ड। सिक्योर मैंने आपको बताया था सिक्योरनेस में, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वहां पर देख सकते हैं कि सिक्योरनेस का मतलब क्या होता है। सिक्योरनेस मतलब लैक ऑफ सिमिट्री, जैसे ये सिमिट्री खत्म हुई तो वो हो गई हमारी सिक्योरनेस डिस्ट्रीब्यूशन। हिस्टोग्राम कैन बी ड्रॉन ओनली फॉर, तो हिस्टोग्राम देखिए, हिस्टोग्राम एक 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 तरह की शेप होती है, ठीक है, जो मतलब आपकी साथ साथ में ऐसे मिलती रहती है, मतलब ये आप हमेशा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप बना सकते हो। याद रखिएगा जो हिस्टोग्राम है वो हमेशा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में है, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी में डाटा चाहिए, तभी एक को दूसरे के साथ आप लिंक कर देते हो, उसे बोला जाता है हिस्टोग्राम। तो जो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको आप हिस्टोग्राम के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीग्राम, पिक्टोग्राम या ओजीव। देखिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जो उसका ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है, ठीक है। हम उनके सेंटर पॉइंट्स को मिला देते हैं, उनके जो सेंटर पॉइंट्स होते हैं उनको आपस में मिला देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ओजीव। याद रखिएगा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, मतलब आप एक जैसे 1 2 3, तो यहां पर जैसे 1 आ गया, उसके 1 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस 3 6, तो इस तरह से जो होती है वो क्यूमुलेटिव होती है, मतलब जो पीछे वाली वैल्यू है वो ऐड होती रहती है। जब आप इसको कैसे एक्सप्रेस करते हो, ऑजीव के थ्रू एक्सप्रेस करते हो, ये आप मीडियन में पढ़ोगे, इसे मीडियन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ऑजीव कर्व कैन बी अकर्ड ओनली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन या मोर देन। मैंने अभी आपको बताया है कि ये मीडियन के केसेस में यूज होती है, तो आपको पता है कि मीडियन में हम लेस देन की भी बात करते हैं और मोर देन की भी बात करते हैं। तो लेस देन और मोर देन बोथ केसेस में इसको यूज कर सकते हो, बोथ। तो इसका आंसर है हमारा सी। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगैम कैन बी यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। इसका आंसर है हमारा मीडियन। याद रखिएगा इसको क्या बोला जाता है, मीडियन। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो के 20 क्वेश्चंस। आई होप कि आपने ये वीडियो को एंजॉय किया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस वीडियो को देखते ही लाइक कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।